फिरोजाबाद थाना टुंडला क्षेत्र के रेलवे स्टेशन रोड फ्रेंड्स क्लब द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। पिछले कई सालों से एसपी सिंह रेलवे गार्ड के नेतृत्व में यह किया जाता है। एसपी सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके द्वारा 2018 में 51 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने दुर्गा पूजा महोत्सव का उद्यापन कर समाप्त कर दिया था। विंध्य स्थान विंध्य निल्याम विंध्य पर्वत वासिनी योगिनी योग माया त्वाम चंदिकाम प्राण मायाहम। आदिकाल से आस्था का केंद्र रहे विंध्याचल धाम शक्ति स्वरूपा माता ध्ववासिनी के जयकारों से गुंजायमान है। मूल रूप से विंध्य पर्वत व पतित पावन माँ भागीरथी के संगम तट पर श्री यंत्र पर विराजमान माँ विंध्य वासिनी को चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में पूजन व अर्चन किया जाता है। प्रत्येक प्राणी को सद्मार्ग पर प्रेरित करने वाली माँ कुष्मांडा सभी के लिए आराध्य है। माँ सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर उनके सारे संताप को हरण कर सकती है। गृहस्थ जीवन में रहकर माता रानी की आराधना करने वाले भक्त को जिस जिस वस्तुओं की जरूरत प्राणी को होती है वह सभी प्रदान करती है। विद्वान आचार्य बताते हैं कि माँ की हल्की सी मुस्कान के साथ ही उन्होंने इस सृष्टि की रचना की थी। भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को माँ केवल अपना ध्यान करने से ही पूरा कर देती है। या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ विंध्यवासिनी। आज माता विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्र के चौथे दिन भक्त माँ कुष्मांडा के स्वरूप के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। ये माँ कुष्मांडा वो है जिसके उदर से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस भगवती की चौथे दिन कुष्मांडा देवी की आराधना और पूजन में माँ विंध्यवासिनी के दरबार में साधक यदि कुछ बातों का ध्यान रखें तो भगवती की कृपा उनके ऊपर बरसती है। आज साधक को चाहिए कि भगवती की आराधना और पूजन में भगवती की जो मंत्र है आपको उस मंत्र के साथ यहाँ पर जो है आसन जो है वो हरे रंग का या पीत रंग का हो तो भगवती की कृपा बरसती है। आज जहाँ तक भगवती को आपको पुष्प अर्पित करने का सवाल है तो आज भगवती को जो है कमल पुष्प अर्पित करने चाहिए, दौना के पुष्प अर्पित करने चाहिए। जहाँ तक भोग प्रसाद अर्पित करने का सवाल है तो आज भगवती को मालपुआ अर्पित करनी चाहिए, भगवती अति प्रसन्न होती है। ओम कुष्मांडा कुष्मांडाय नमः इस मंत्र के साथ भगवती की मंत्र के साथ जप करनी चाहिए, भगवती की कृपा बरसती है और कुष्मांडा देवी की कृपा से जो है नवरात्रि शक्ति के चौथे दिन जो है आरोग्यता में वृद्धि होती है। जो भी भक्त जो है लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं और वो जो है चाहते हैं कि उनको बीमारियों में लाभ मिले तो आज कुष्मांडा देवी की आराधना और पूजन से उन्हें आरोग्यता में वृद्धि होती है। जी मैं लखीमपुर खीरी से आया हूँ और मैं यहाँ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित माँ भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए विंध्याचल में जो है मंदिर है यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैंने काली खो के भी दर्शन किए, काली खो माता के और अष्टभुजा देवी के भी दर्शन किए। यहाँ पर हम और मेरे ग्रुप के 7 लोग और सभी लोग आते हैं हर वर्ष सचंडी का पाठ करने। शारदीय नवरात्र और चैत्र मास में भी आते हैं, हम लोग नवरात्रि में आते हैं सचंडी का पाठ करते हैं और विश्व कल्याण की कामना करते हैं।